वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो स्टूडेंट्स जैसे हम बात करें तो बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ एटम्स के, एलिमेंट्स के बारे में जो स्टडी शुरू हुआ, एटम्स के बारे में जो स्टडी शुरू हुआ, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है उन चीज़ों को समझते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जे थॉमसन मॉडल से कहानी शुरू हुई है और आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एटम्स के बारे में हम आगे कंटिन्यूसली पढ़ते भी रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसे स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो अब डिस्कस जो होने वाला है वो यहाँ पर अगला टॉपिक जो रहने वाला है वो स्पेक्ट्रम रहने वाला है। तो स्पेक्ट्रम को समझने के लिए, ठीक है, एलिमेंट्स पर्टिकुलर अपना एक स्पेक्ट्रम रहता है पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, तो वो जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जैसे कि सात रंग आपने देखा होगा जो सनलाइट के भी होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रम की कुछ बात करेंगे आगे। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा लाइट का जो है नेचर के बारे में समझना होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक नेचर हमें समझना होगा। तो इसीलिए हमारा टॉपिक जो है आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है इसके बारे में हमें समझना होगा, ठीक है, क्योंकि लाइट का नेचर समझ में आएगा तभी हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मैंने जो ये जिसके मिड की बिल्कुल सेंटर के सेंटर में यहाँ पर एक जो लाइन मैंने एरो जो खींचा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। तो ये डायरेक्शन है प्रोपेगेशन का, ये आपको वेव्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, ठीक है, वेव्स जो एक तरह से तरंगे आपको समझ में आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो इसी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए जो ये वाला जो मैंने डार्क लाइन से डिनोट किया है, ये ऊपर से नीचे आपको डार्क लाइन से ऐसे डिनोट किया है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे ऐसे चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ रहा है, ठीक है, जो डार्क लाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो इसके साथ में मैंने एक जो डॉटेड लाइन से मैंने वेव एक और दिखाया, ठीक है, जो कि ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मतलब ये तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप तो देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे ऐसे चल रहा है, लेकिन जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह जैसे स्नेक चलता है इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड का आप कंपोनेंट का जो है डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ये बताया जाता है कि रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो भी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जो भी तरंगे हैं सब जो हैं कंसिस्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, वो ऑक्सीलेट करती हैं इन प्लेन प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं प्लेन प्रिपेंडिकुलर होती हैं, ऑक्सीलेट करती हैं, एंड बोथ प्रिपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, और उसी डायरेक्शन प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में, देखिए ये जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, ये डायरेक्शन प्रोपेगेशन का है, तो दोनों एक साथ चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, प्रिपेंडिकुलरली दिखाई दे रही हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन एक ही प्रोपेगेशन में आपको दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इनका जो वेवलेंथ होता है, वेव का जो लेंथ होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है, एम्पलीट्यूड होता है, वो सभी क्या होते हैं सेम रहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो वेव का जो नेचर है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वेव के वो हमें समझने हैं, जैसे कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कैसे करें, क्या हमें मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो वेव के नेचर के बारे में अभी और बहुत कुछ हमें पढ़ना है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ छोटे मोटे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लिखवाए हैं, अभी मैंने बेसिकली आपको एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है क्या, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में इस थ्योरी एक बार इस डायग्राम को और इस पर्टिकुलर जो लाइन से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, इनके सिंबल्स क्या होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस काम आती हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।